दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वैज्ञानिक तकनीक से मूंगफली की खेती करके लें अधिक पैदावार, अधिक लाभ के लिए करें आम की तुड़ाई, पैकिंग और मार्केटिंग। अपने राज्य में मूंगफली की खेती बहुत से किसान करते हैं और अच्छी आय भी कमाते हैं। तो जो किसान मूंगफली की खेती करने जा रहे हैं, वे किसान इनकी उन्नत किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तकनीक से बुआई करें ताकि मूंगफली की फसल से अधिक पैदावार मिल सके। तो आप किस प्रकार से करें मूंगफली की वैज्ञानिक तकनीक से खेती, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आजकल परंपरागत खेती का जमाना नहीं है। महंगाई के इस युग में किसानों को चाहिए कि वे अपनी जमीन पर आय बढ़ाने वाली फसलें पैदा करें। और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं मूंगफली की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, मूंगफली भारत की मुख्य तिलहनी फसल है। इसकी खेती अपने राज्य में प्रमुखता से की जाती है और इसकी खेती करके किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो जो किसान भाई खरीफ मौसम में इसकी खेती करना चाहते हैं, वे इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी दोमट भूमि अच्छी होती है। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दो जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है कि खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग आप मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करें। लेकिन जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मिट्टी की जांच नहीं कर पाए हैं, तो वे 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 44 किलोग्राम यूरिया, 380 किलोग्राम SSP, 35 किलोग्राम MOP और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने में उसकी किस्मों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मूंगफली की सफल खेती के लिए आप इसकी उन्नत किस्में RG 382, RG 425, RG 510 और RG 559, TG 37A, GG 20, Girnar 2, HNG 10, HNG 69, HNG 123 का चयन करें, जिसकी उन्नत खेती करके आप अच्छी पैदावार ला सकते हैं। जहां तक बीज दर की बात है, तो इसकी झुमका किस्मों के लिए बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फैलने वाली किस्मों के लिए 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदे। किसान भाइयों, फसल को कीट रोग से बचाने में बीजोपचार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप बुआई से पहले बीजों को सबसे पहले फफूंद नाशक 3 ग्राम थायरम या 2 ग्राम मैनकोजेब या कार्बेंडीजम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर ले। इसके बाद कीटनाशक दवा इमीडाक्लोपिड 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करे। और इसके बाद राइजोबियम कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से शोधित कर लें, क्योंकि जैव उर्वरकों से उपचार करने से मूंगफली की उपज में 15-20% बढ़ोतरी की जा सकती है। किसान भाइयों, मूंगफली के बीजों की बुआई लाइनों में करें, जिसमें झुमका किस्म के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें।
विस्तार और अर्ध विस्तारी किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। इसके अलावा बीजों की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखें। मूंगफली फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडी मैथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे कर दें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी और ऐसे फसल से आगे चलकर किसान भाइयों को अच्छी उपज मिलेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बाइडेन के साथ विशेष उपहारों का आदान प्रदान किया। व्हाइट हाउस पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने किया ग्रैंड वेलकम। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की डिनर डिप्लोमेसी। नेशनल साइंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में छात्रों से मिले पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पीएम की मुहिम का किया स्वागत। पीएम बोले, टेक्नोलॉजी के नाम अगला दशक। वॉशिंगटन में पीएम मोदी से मिले कुछ बड़े कारोबारी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने भारत के लिए बढ़ती उम्मीदों पर की बात। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ ने भी पीएम मोदी से की मुलाकात। योग दिवस पर यूएन में हुए पीएम मोदी के योग कार्यक्रम ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। योग दिवस में पीएम के साथ शामिल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, जैसा कि अभी आम के बाग में फलों की तुड़ाई चल रही है और ऐसे में किसानों को आम के बाग से फलों का अच्छा बाजार भाव लेने के लिए आम के फलों की तुड़ाई, पैकिंग और मार्केटिंग का कार्य सही प्रकार से करना होगा। तो आप आम के फलों की तुड़ाई से लेकर मार्केटिंग तक किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। किसान भाइयों जोहार। फलों का राजा आम, समय चल रहा है, अब हमें चाहिए गुणवत्तापूर्ण और पूरा रस और गुदा से भरपूर, बिल्कुल रसायन रहित। तो इसकी जब बात करने का मौका आता है तो हम कहते हैं कि दूसरी तरफ किसान, ये तो खाने वाले उपभोक्ता की बात हुई, दूसरी तरफ किसान, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जो उपजा रहे हैं आम को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। इस संदर्भ में हम बात करेंगे कि कैसे ग्राहक को अच्छी गुणवत्तापूर्ण आम मिले और दूसरी तरफ कैसे किसान जो उत्पादक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी मिले। किसान भाइयों, ज़्यादा पैसा पाने के लिए आपको जल्दी मार्केट पकड़ना होता है कि पहले अगर जो मेन आम की फसल होती है उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 20-25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ज़्यादा रेट मिल जाता है और बाद में भी ज़्यादा रेट मिलता है। बीच वाला में जहाँ आम बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसलिए कम रेट मिलता है। तो उस संदर्भ में हम बात करेंगे। आम के फल अब मैच्योर हो रहे हैं जिनकी तुड़ाई अब की जा सकती है और यह कार्य सावधानी से करने की जरूरत होती है जिससे फल चोटिल ना हो। साथ ही तुड़ाई के बाद फलों का स्टोरेज और पैकिंग भी ठीक से करें जिससे फलों की अच्छी क्वालिटी बनी रहे। पहले मार्केट पकड़ने के लिए हम कहते हैं कि जो भी आम है उसको हम कहते हैं ना फिजियोलॉजिकली मैच्योर। जब आम का बढ़वार रुक जाए, पका नहीं हो, रुक जाए, अब उसका बढ़वार नहीं होगा, अब उसकी साइज में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो उस समय हम आम को तोड़ लेते हैं। और चूंकि आम जिस समय हम तोड़ते हैं उस समय गर्मी का मौसम होता है, इसलिए उसको हम
फील्ड हीट हटाने के लिए हम कहते हैं ना, वो गर्मी उसमें उसके अंदर जो गर्मी है उसको हटाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन भी चलेगा और आम की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। तो इसके लिए फील्ड हीट हटाने के लिए एकदम रनिंग वाटर में, तेज़ बहता हुआ पानी में उसको ठीक से धो लेते हैं, रगड़ करके नहीं, वो बहता हुआ पानी में धो लेते हैं। अपने आप उसमें जो धूल वगैरह होंगे या जीवाणु विषाणु होंगे ऊपर से लगे हुए, वो सब धुल जाएंगे। उसके बाद फिर उसको हम रूम में ले लाते हैं और ठीक से फैन की हवा में उसको ठीक से फैला देते हैं, सुखा देते हैं। अब आम बिल्कुल आपका मतलब पानी रहित है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड हीट हटा लिया, उसके बाद हम टिश्यू पेपर लेते हैं और टिश्यू पेपर लेकर के हम उसको लपेट लेते हैं, लपेटते हैं। आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, ब्लॉटिंग पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर का अच्छा रिजल्ट देखा गया है तो उसको लपेट लेते हैं। और कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स, मतलब उसको बोलते हैं ना, वो आजकल कार्टन जैसा आता है जो अंदर में मुड़ा मुड़ा रहता है, वो जल्दी टूटता नहीं है, तो अंदर में मुड़ा रहता है, उसको कोरुगेट CFB बॉक्स या कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स बोलते हैं। तो उसमें पैकिंग करते हैं, उसमें देखिएगा छोटा छोटा छेद बना रहेगा, साइड में छोटा छोटा छेद बना रहेगा, तो वो ज़रूरत के अनुसार ऑक्सीजन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट भी हो और ज़रूरत के अनुसार रहे, बाहर भी आए, इसके लिए हम रखते हैं। पूरा पैक कर देंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, अंदर अंदर वो आम सड़ने लगेगा, इसलिए वो कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स में छेद छेद रहता है, तो उसमें हम पैक करते हैं। आपका ध्यान एक और जरूरी बात पर ले जाना चाहेंगे, अगर आप खुद ही फलों को पकाकर बेचना चाहते हैं या आपसे कोई व्यापारी फलों को पकाकर बेचता है तो फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कार्बाइड केमिकल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मानव हेल्थ के लिए बहुत ही घातक है। FSSAI ने फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल करने की सलाह दी है, इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। एथिलीन लिक्विड और पाउडर के रूप में बाजार में उपलब्ध है और पिछले कई सालों से इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। और ग्रेडिंग करते समय हमको कैसा चाहिए, जैसे बड़ा बड़ा साइज का चाहिए तो एक साइज लगभग समान साइज का एक एक ग्रुप में रखते हैं, उसके बाद वाले साइज का एक ग्रुप में रखते हैं और छोटा छोटा साइज का एक ग्रुप में रखते हैं, ऐसे करके, या रंग के आधार पे या लस्टर मतलब चमक के आधार पे ऐसे करके ग्रेडिंग करते हैं, ताकि आपको उपयुक्त आमदनी प्राप्त हो सके और उपयुक्त मूल्य उसका मिल पाए। अब उसमें कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स में जैसा आप अगर लपेट करके टिश्यू कल्चर से रखे हैं तो लपेट करके रखिए, अगर आप कोटिंग किए हैं मोम से या तेल से तो उसको लपेट करके रखिए। तो ये अगर हम तरीका अपनाएं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी भी मिलेगी किसान भाइयों को, और दूसरी तरफ जो उपभोक्ता है, जो खाने वाले हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण फल भी मिलेगा आम का। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पैंतीस देशों के लोग एक साथ, सबसे ज्यादा देशों के लोगों ने योग करके बनाया रिकॉर्ड। मणिपुर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 24 जून को होने वाली बैठक में सभी दलों के नेताओं से करेंगे चर्चा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पटना में विपक्ष की मोर्चेबंदी, 23 जून को मुख्यमंत्री आवास में होगी 18 विपक्षी दलों की बैठक, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला आज पहुंचेंगे पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा NDA में शामिल, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद किया ऐलान। सिंगर हनी सिंह को गैंगस्टर गोल्डी बराड ने दी जान से मारने की धमकी, वॉइस नोट के जरिए भेजा मैसेज, हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस से की शिकायत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देख रेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों के चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है थनेला रोग, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु दूध देना कम कर देता है।
अगर इस रोग का समय से इलाज न किया जाए तो पशुओं के थन भी खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, पशुओं में थनेला रोग के कारण, लक्षण और इनका निदान क्या है, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल शिंदे से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थनेला के बारे में, कि कैसे थनेला पशुओं में होता है और उसके बारे में कैसे उसका उपचार करें। जैसे हम सबसे पहले जानते हैं कि थनेला क्या होता है। थनेला मतलब कि थनों में या उसके पूरे अडर है उसमें जख्म हो जाना, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, इसको हम थनेला बोलते हैं। थनेला मुख्यतः अगर देखा जाए तो दूध देने वाली गायों में होता है, जैसे कि कुछ विदेशी गायें हैं जो कि ज़्यादा दूध देती है, जर्सी है, HF है, इनमें मुख्यतः दिखता है। अपने देशी गायों में उस तुलना में थनेला कम तुलना में पाया जाता है। और जब हम बात करते हैं थनेला कैसे होता है, तो थनेला मुख्यतः थनों में कोई जख्म हो जाना या कुछ जीवाणु का संक्रमण हो जाना, दुहन के बाद पशुओं के जो थन है वो 15 से 20 मिनट के लिए उसके जो छिद्र है, जो छेद है, वो खुले रहते हैं। और उस छेद के थ्रू जब पशु जमीन पर बैठ जाते हैं तो उस छेद के थ्रू जीवाणु थनों में संक्रमण कर लेते हैं और उसमें वो इन्फेक्शन करके थनेला यानी कि मस्टाइटिस ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा अन्य रोगाणु जैसे विषाणु, कवक, माइक्रोप्लाज्मा इत्यादि भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया पशु जहाँ रहते हैं वहाँ पर गंदगी की वजह से या फिर कभी कभी दूध निकालने वाले हाथों में जीवाणु की उपस्थिति की वजह से फैलता है। आमतौर पर दूध में तथा थनों के अंदर कोई जीवाणु नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ कारणों से जीवाणु थन में प्रवेश करते हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं। अब इसमें लक्षण क्या दिखते हैं? जब हम लक्षण की बात करते हैं तो थनेला होने के बाद सर्वप्रथम जो थन है उसमें इन्फेक्शन होने के बाद में उसमें सूजन आ जाती है, उसमें खड़ापन आना चालू हो जाता है, पशु को जो है टेम्परेचर दिखता है आपको, उसमें फीवर आने लगता है, पशु खाना कम खाता है, उसमें बुखार आ जाती है, और साथ ही साथ में जो दूध है उसमें पतलापन आना चालू हो जाता है, साथ ही साथ या पीलापन दूध में आना चालू हो जाता है। एक समय जो अगली स्टेज आती है उसमें ये हो जाता है कि पशु जो विदेशी गाय है, जो भी HF है, जर्सी है, जो 15 से 20 लीटर दूध दे रही हो, उसका दूध उत्पादन एकदम अति शीघ्र घट जाता है। 15 से 20 लीटर से वो 5 से 6 लीटर में दूध प्रतिदिन देना चालू कर देती है। इसलिए ये जो बीमारी है बहुत आवश्यक है, इसका अच्छे से इलाज होना बहुत आवश्यक है। थनेला रोग दुधारू पशुओं में, खासकर गाय और भैंस के थन में होने वाला एक घातक रोग है जो कि बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से फैलता है। अगर रोग के शुरुआती लक्षण को पहचान कर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये थनों को खराब करके पशु के दूध को सुखा देता है। इस रोग की वजह से पशु मरते नहीं, लेकिन थन हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। वहीं ज्यादातर पशुपालक थनेला रोग के शुरुआती लक्षणों को देखकर इस रोग का अनुमान नहीं लगा पाते और वो इलाज में लापरवाही कर देते हैं। आजकल ऐसे है कि बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि जो दूध का है वो रेगुलर चेकअप किया जाता है, जिसमें कि CMT टेस्ट जो है, कैलिफोर्निया मस्टाइटिस टेस्ट, ये खास मस्टाइटिस के लिए बनाई गई टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं कि एक उसमें 3-4 पैड रहते हैं, तो उसमें उस हर गोले गोले में हर एक थन का दूध निकाला जाता है और उसको देखा जाता है कि उसमें धागे धागे तो नहीं आ रहे, दूध पतला तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसे आ रहा होगा तो हमको उसका इलाज करना होता है। साथ में वो CMT रिएजेंट डाला जाता है, अगर उसमें मस्टाइटिस वाला दूध रहेगा तो उसमें उसका कलर आपको चेंज दिखाई देता है, तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये दूध जो है खराब है, या फिर ये जो गाय है इसको मस्टाइटिस हुआ है, तो उसको हम अतिशीघ्र से अतिशीघ्र उसमें इलाज कर सकते हैं। अब इसका उपचार की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले जो खराब दूध है या फिर थनेला वाली गाय का दूध है वो बाकी की गायों से या भैंसों से उनको अलग रखना चाहिए, उनका और उनको साथ में नहीं मिलाना चाहिए। और थन फिर खाली करने के बाद में उसमें बहुत सारे आजकल के इंट्रामेमरी यानी कि अपन थनों में कुछ चढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारी दवाई या एंटीबायोटिक आते हैं, उसका हम इन्फ्यूजन जो है थनों में कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध है, पेंडिस्ट्रीन है या अन्य भी इंट्रा मेमेसिन है, तो ये सारे ट्यूब है, इसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे हमको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि जो भी संक्रमण है वो उससे कम हो जाए। हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी कि उपचार से भला है प्रतिबंध। तो हमको थनेला का प्रतिबंध कैसे करना चाहिए? थनेला का जो है सबसे पहले पशुओं के थन है उसको साफ सुथरे रखने चाहिए, अगर वो धोने के बाद में अगर गीले हो रहे तो उसको हमको सूखा करना चाहिए,
और जो उसका जो महत्वपूर्ण है कि जो ज़मीन है जहाँ पे पशु बैठते हैं वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पे कोई पत्थर या कोई खील वगैरह नहीं होनी चाहिए कि जो कि जख्म हो जाए। दूध निकालने वाले व्यक्ति का हाथ अच्छी तरह से साफ होना चाहिए, थन से दूध पूर्ण हाथ विधि से निकालना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि थन में दूध छूटे नहीं। दूध निकालने के बाद पशु आमतौर पर थक जाते हैं और तुरंत बैठ जाते हैं। हालांकि दुग्ध नलिकाओं को बंद होने में लगभग 15 मिनट का वक्त लगता है, ऐसे में पशुपालक दोहने के बाद पशु को 15 मिनट तक जमीन पर बैठने ना दें तो इससे भी ये रोग होने की संभावना कम हो जाती है। स्वस्थ पशुओं को रोगी पशुओं से अलग रखना चाहिए। दूध निकालने से पहले थन एवं अयन को साफ पानी से धोना चाहिए। दूध की पहली धार को जांच लें, सामान्य होने पर ही बाल्टी में दूध निकालें। हर रोज दूध निकालने के बाद थनों को पोटेशियम परमैंगनेट अथवा लाल दवा मिश्रित पानी के घोल से धोना चाहिए। बेहतर होगा यदि लाल दवा युक्त घोल में चारों थनों को एक एक मिनट के लिए बारी बारी से डुबाएं। तो मैं आखिरी में किसान भाई को यही बताना चाहूंगा, जो अपने पशु का बाड़ा है उसको साफ सुथरा रखे, अपने गाय को साफ सुथरा रखे, जो गाला ग्वाला है जो दूध निकाल रहा है वो भी अपने आप को साफ सुथरा रखे, नाखून कटे हुए रखे, तो निश्चित ही रूप से थनेला से अपने पशु को बचाया जा सकता है। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है गांव अड़तपुरा जिला जयपुर के किसान गिरधारी लाल ने। आप तरबूज की फसल में कीट और रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो गिरधारी लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तरबूज की फसल है उसमें विभिन्न प्रकार के जो कीट और बीमारियां लगती हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तरबूज की फसल में कीट और रोगों के कारण भारी नुकसान होता है, इसलिए किसानों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते तरबूज की फसल में लगने वाले कीट और रोगों को पहचान कर नियंत्रण के उपाय करें ताकि इनसे होने वाली हानि से तरबूज की फसल को बचाया जा सके। बीमारी है उसमें है झुलसा, झुलसे में फसल अचानक ही वो सूख के ख़त्म होने लग जाती है। इसमें जो कवक होता है वो अपने जो स्पोर्स हैं या अपने जो बॉडी है वो तने के अंदर और जड़ों के अंदर है वो ब्लॉक कर देता है, उससे क्या है भोजन का और पानी का प्रवाह नहीं होता और पौधे वो सूख के ख़त्म हो जाते हैं। तो इस रोग के प्रबंधन के लिए किसान भाई जो लिक्विड कार्बेंडाजिम है 50% 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य अगर बीमारियों की बात करें तो तरबूज की एक प्रमुख बीमारी है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में सर्वप्रथम पत्तों के ऊपर है वो भूरे और काले रंग के वो धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे वो धब्बे बढ़ते जाते हैं और पूरा पत्ता वो खराब हो जाता है। बाद में फलों के ऊपर भी भूरे से लाल रंग के धब्बे वो दिखाई देते हैं। इस रोग के प्रबंधन के लिए किसान भाई प्रोपिनेप 70% का 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से इस बीमारी को वो प्रबंधन कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, तरबूज की फसल में फल मक्खी कीट से भारी नुकसान होता है, ऐसे में तरबूज का मंडी में कोई भाव नहीं मिल पाता है, तो तरबूज की फसल में इस नुकसान को देखते हुए कि आप इस फल मक्खी कीट का समय रहते नियंत्रण करें। फ्रूट फ्लाई एक प्रमुख पीड़क है इस फसल का। फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए किसान भाई जो फल मक्खी फंदे आते हैं उन फंदों का 20 फंदे प्रति हेक्टेयर की दर से स्थापित करें और आवश्यकता के हिसाब से स्पाइनोसाइड 45% SC 0.3 से 0.4 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर 1 से 2 छिड़काव करेंगे तो जो फल मक्खी है इससे आसानी से वो नियंत्रित कर सकते हैं और उसको आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं और उससे होने वाले नुकसान है उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। धन्यवाद। अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। Thank you.
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataRajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889213 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।